जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं हनुमान मंदिर हमारे पड़ोसी भाभियों के साथ, और भतीजी भी है साथ पर, उन्हीं के साथ हनुमान मंदिर हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख पर भोलेनाथ जी का स्थापन होगा हनुमान मंदिर पर। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। नमस्ते अस्मदिसे अन्यास्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यघुं शिवो भव। मधुस्नानं मधुवातारितायागं रतुष्टं गृणामि कते योनिरिन्द्राय त्वां दुष्टतमम्। महादेवदेवाय महादेवाय नमः। सवि बोलिए सर्वादेवाय नमः। पञ्चामि स्नान समर्पयामि, बोलिए समर्पयामि। दबालः सर्वधा शेताक्षो ऋणस्ते जजामहे सुगन्धि वर्धनम् मा उर्वारुकामृतातो गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युता। देवदेवाय महादेवाय नमः। सुगन्धितै स्नान समर्पयामि। गुलाब जल से स्नान करवा दीजिए। अगम करवाने के बाद देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हैं, तब मूर्ति के अंदर प्राण आते हैं और महाअभिषेक से भगवान की शुद्धि। आपने देखा कि किस तरह की औषधियां स्वर्ण चांदी पंचामृत बताया था। अब भगवान का भ्रमण पूजा वगैरह सब पूर्ण हो गई है। अब ठाकुर जी जो हैं वो आज आराम करेंगे। हवा के द्वारा प्राणों का आह्वान ठाकुर जी शयन करेंगे। तो आप जो सब सामने देख रहे हैं ये ठाकुर जी के शयन का सामान है। के बीच में कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम सफल होना नहीं होना मैं ये कोई बात नहीं मानता हूं। प्रभु कृपा रही कि आज शोभा यात्रा में 4 दिन से हम देख रहे हैं भक्तों ने इतना स्नेह है कि जिसकी आशा बड़ी भक्ति वो है।
आपने कहीं मंदिर में जाके झाड़ू लगा दी, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये हर काम कोई नहीं करना चाहता है। और हमारे इस मंदिर में जो दास भक्ति कर रही है, और बिल्कुल उनका परिवार साथ में जो मिल गया वो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, और सुबह से लेकर रात तक। हनुमान मंदिर पर पूजा करना हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं घर, घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। ये देखिए भाभी दो भतीजियाँ, हम सब उन लोग क्या क्या बोल रहे हैं सुनिए। हंसी तो आ रहा था पर कोई बात नहीं, ये अभी हम जा रहे हैं घर। टोटो नहीं मिल रहा था इसलिए हम पैदल ही जा रहे थे, देखते हैं आगे अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो गुड नाइट सभी को, बाय बाय एंड शुभ रात्रि।